मैं सुषमा महाजन, प्रेसिडेंट नारी शक्ति जागृति मंच। सबसे पहले मैं अपनी संस्था की तरफ से सभी देशवासियों को, सभी कठुआ निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज हम 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और आज 1947 से लेकर आज 71 साल बीत गए और 72वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं और आज़ादी की सांस ले रहे हैं। और इस आज़ादी की सांस में हम देख रहे हैं लहलहाते खेत और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े यूनिट जो जहां लग गए हैं 72 सालों में, ये सब देश को समृद्धि की ओर लेकर जाने वाले जो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री और इससे पहले के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और इन सब के योगदान से जो आज देश समृद्ध हुआ है, ये एक गौरव की बात है। क्योंकि जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का राष्ट्रपति मजबूत होता है, वो देश मजबूती की राह पर चल पड़ता है। और ये मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ अपनी संस्था की ओर से हमारे प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को कि जिन्होंने देश को समृद्धि की ओर ले जाते हुए देश को गौरवमय बना दिया। देश का जो इतिहास है गौरवमय हो गया, सुनहरी अक्षरों में भारत का नाम लिखा जाता है। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि समृद्धि तो आई हमारे देश में, पर नौजवान पीढ़ी जो है वो नशे की गर्त में जाती जा रही है। जहाँ का नौजवान अगर नशे में चला जाएगा तो वो फिर हम वहाँ ना चले जाएं। इसके लिए हमारी संस्था हमेशा प्रयास करती है कि हमारी नौजवान पीढ़ी बचेगी तो हम बचेंगे। तो मैं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक मैसेज दे देना चाहती हूँ अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपनी बच्चियों को, अपनी नौजवान पीढ़ी को कि हमारे बच्चों को बचाने के लिए उनको धार्मिक अनुष्ठानों में लगाइए, उनको पढ़ाई की तरफ से पर लगाइए, उनको गेम की तरफ लगाइए और ऐसे कार्य होने चाहिए कि जो देश के हित में हो, समाज के हित में हो, परिवार के हित में हो। बच्चों में एकता का जो प्रचार प्रसार है वो माँ करती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि नौजवान पीढ़ी जो है वो स्वतंत्रता दिवस पर मेरा एक ही मैसेज है नौजवान पीढ़ी के लिए कि वो नेक राह पर चलें। और भगत सिंह राजगुरु, शिवाजी मराठा और जो सुखदेव, महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप और अन्य जो हमारे देश के शुभ चिंतक थे, जिन्होंने जवानी भी नहीं देखी और उस उम्र में वो चले गए जिस उम्र में माएँ बच्चों की शादियों के सपने देखती हैं। तो मैं उन माओं को सलाम करती हूँ जिन्होंने ऐसे योद्धा पैदा किए, जिन्होंने ऐसे वीर पैदा किए। हम उन वीरों की धरती के नागरिक हैं जिन वीरों की कहानियाँ जुगो जुगो तक, जब तक ये संसार रहेगा, उन वीरों की कुर्बानियों को याद किया जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तक, उन वीरों को नतमस्तक होगा हमारा देश। और स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हमारी संस्था भी उन महान योद्धाओं को, महान वीरांगनाओं को नमन करती है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, इन वीरों का नाम रहेगा। यही कहते हुए मैं फिर से मुबारकबाद देती हूँ स्वतंत्रता दिवस की अपने पूरे देशवासियों को। एम्पावरमेंट अलायंस की ओर से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे दो मुद्दे हैं, एक रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का, दूसरा जो दिल्ली के अंदर इसकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो प्रतियां जलाई गई हैं उनके रोष में आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जहाँ तक रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का सवाल है, पिछले 3 साल से हमारी स्ट्रगल चल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है ये इसे मिसलीड कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर साहब को मिसलीड कर रहा है, जो गवर्नर साहब हैं उनको मिसलीड कर रहा है। जो आज सबसे जो अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंस्ट्रक्शन है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पैक्स कोर्ट की जो इंस्ट्रक्शन है, उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है। हमारे चीफ सेक्रेटरी जो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको 2 महीने का जो आया इंस्ट्रक्शन आई हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की जो इंस्ट्रक्शन आई उसे नहीं इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है और हम चाहते हैं कि जल्द से इंप्लीमेंट किया जाए, नहीं तो हमारी 16 सितंबर को एक बहुत बड़ी विराट रैली होगी और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगे उसके लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी।
और दूसरा जो प्रतियां जलाई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की दिल्ली के अंदर जलाई गई हैं, उन लोगों को जो कल्प्रेट्स हैं उन देशद्रोहियों को सलाखों के पीछे डाला जाए, उन जल्द से जल्द उनकी कार्रवाई की जाए ताकि जो ऐसे घूमें फ्री ना घूमें। अब क्या गया अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया। श्रीनिवासन जी पांडे जिनकी दक्षिण में जो सारा कुछ हुआ है, ऐसे लोगों को ऐसे देशद्रोहियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालना चाहिए। जय भीम।